हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और खुश हैं, और साथ में हम भी आप लोगों के दुआओं से ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने देखिए फिर से एक बार देसी रोज़ को लेके आई हूँ, क्योंकि मैं देसी रोज़ का कम्प्लीट केयरिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही पूरा इन प्लांट्स का कम्प्लीट केयरिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं केयर कर रही हूँ, और जिस दिन जो भी इस प्लांट में डाल रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पिछले वीडियो में देसी पार्ट का जो थर्ड पार्ट था उसमें मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला था वो डालने के 3 दिन बाद फिर मैं ये वाला फंगीसाइड पाउडर प्लांट्स में स्प्रे किया है, तो वही फिर आज दिखा रही हूँ। और पिछले एक हफ्ते हो गया है वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो वो इस एक हफ्ते में मेरे इस प्लान में मैंने जो जो डाला है वो सब कुछ आप लोगों के सामने अभी शेयर करूँगी। तो देखिए, ये जो एनपीके डाला था उस दिन लास्ट वीडियो में, तो उसके 3 दिन बाद ये है फंगीसाइड पाउडर। तो इसको हमें 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से मिलाना है। ये देखिए, ये है 1 लीटर पानी एक बॉटल में, तो ये पानी के साथ इसको हमें बहुत ही अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद प्लांट्स में स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, आप अगर थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये देसी रोज़ के ऊपर जितने भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है सारे लिंक दे दूंगी, तो आप वहीं से देख सकते हैं मैं इन प्लांट्स को कैसे करके केयर कर रही हूँ रोज़ को। आप ऐसे करके आपके पास जितना भी रोज़ है, देसी, इंग्लिश रोज़, हाइब्रिड, जो भी जितने भी टाइप का रोज़ हो सबको ऐसे ही करके आप केयर कर सकते हैं। और ये वाला देसी रोज़ है, तो देखिए ऐसे करके सारे प्लांट्स में हमें स्प्रे करना है। ये आप 10 दिन के अंदर अंदर करने से बहुत ही अच्छा है। तो आप, मैं वहाँ पे बोल ही दिया था ये डालने के फिर 3 दिन के बाद फिर हमें पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, तो मैं पेस्टिसाइड भी स्प्रे करके आप लोगों को दिखाऊंगी, और कौन सा पेस्टिसाइड मैं स्प्रे करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ में आज कुछ न्यूट्रिशन भी इसी वीडियो में इस प्लांट में स्प्रे करूँगी, तो मैं क्या न्यूट्रिशन स्प्रे करती हूँ तो वो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो के लास्ट में। मतलब ये फंगीसाइड डालने का 3 दिन बाद अभी मैं दिखा रही हूँ, जो कि आज पेस्टिसाइड का स्प्रे करूँगी, तो इसके फिर 3 दिन बाद वो न्यूट्रिशन मैं इस प्लान में दूंगी। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, देखिए फंगीसाइड डालने का 3 दिन बाद कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं मेरे देसी रोज़ में। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग रोज़ है, मतलब प्लांट है, जो कि साल भर ऐसे ही करके खिलते रहते हैं, और बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है देसी रोज़। और इसका कटिंग भी बहुत ही इजीली कटिंग से हम प्रोपागेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये है नीम, जो नीम ऑयल हम बोलते हैं, तो ये है नीम ऑयल, तो इसी से भी हम पेस्टिसाइड बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आपको लिक्विड सोप लेना पड़ेगा, 1 चम्मच वो और 1 चम्मच फिर लिक्विड सोप। ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है टापकोर, ये देखिए डाई मेथड 30%। तो आज हम ये वाला पेस्टिसाइड स्प्रे करूँगी, तो देखिए इसको हमें 1 चम्मच लेना है। आप 30 अगर ड्रॉपर से करेंगे तो 30 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं 1 लीटर पानी में। अच्छे से हमें इस मिलाना है, फिर उसके बाद हमें स्प्रे करना है प्लांट्स के सारे पत्ते, बार्ड्स, फूलों का जो बार्ड्स होता है उन सब में भी हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो इसको अभी हमें बहुत ही अच्छे से मिला लेना है, और अगर नीम ऑयल होने से फिर उसके साथ 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड सोप 1 लीटर पानी में अच्छे से आप मिला के भी बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं।
तो आज मैं ये केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करूँगी। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे करके आपको पूरा प्लांट्स में बहुत ही अच्छे से स्प्रे करना है। तब आपका प्लांट्स में कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं आएगा, पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन ये 15 डेज में एक बार तो देना ही देना है प्लांट्स में, मतलब स्प्रे करना ही करना है। तो अभी मैं आप लोगों को फिर इसके 3 दिन के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ में वो न्यूट्रिशन भी डालूंगी। और फ्रेंड्स, ये वो वीडियो पेस्टिसाइड डालने का 3 दिन के बाद का फोटो, यानी आज का ये वीडियो है, आज यानी 28 मार्च का। तो आज मैं इस प्लांट में वो न्यूट्रिशन डालूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट, और ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। और ये प्लांट्स को देखिए, यहाँ पे लिखा है मेक्स प्लांट्स ग्रो बुशियर, प्रोड्यूसेस मोर फ्लावर्स, इंक्रीजेस क्लोरोफिल प्रोडक्शन। तो पत्ते में क्लोरोफिल भी ज़्यादा देते हैं ये डालने से। तो ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है रोज़ प्लांट के लिए, तो एक वरदान है, ये बहुत ही अच्छा है। पत्ते एकदम पूरा प्लांट्स ही हरा भरा रहता है, फूल फल ज़्यादा आते हैं। और देखिए, इसको हमें 1 चम्मच लेना है, लेकिन पूरा भरा के एकदम नहीं लेना है, ऐसे करके 1 चम्मच लेना है। और इसको फिर 1 लीटर पानी में हमें अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद पत्ते में स्प्रे करना है। और इसको हम सॉइल में भी डाल सकते हैं, तो सॉइल में कितना कैसे डालना है वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं डालूँगी। और देखिए, इसको 1 लीटर पानी में हमें अच्छे से मिला लेना है। और प्लांट्स के सारे पत्ते में बर्ड्स, फूलों का जो बर्ड्स यानी जो कलिया है, वो सब में भी हम स्प्रे कर सकते हैं। पूरा मतलब पूरा प्लांट्स को एकदम नहला देना है, तो ऐसा करके स्प्रे करना है। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में यानी 2nd पार्ट ऑफ देसी रोज में मैंने सॉलिड फर्टिलाइज़र इस प्लांट में डाले थे, तो अभी हम 1 महीने के बाद ही इस प्लांट में सॉलिड फर्टिलाइज़र डालूंगी। तो अभी 20 डेज जैसा तो हो गया है, इन दिनों में मैंने ये सारे इस प्लांट के साथ किया है, जो जो इस प्लांट में मैंने दिया है वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो सारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो तभी आपका प्लांट भी ऐसा ही हेल्दी रहेगा। और पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाले थे, तो इसीलिए 1 महीने के बाद ही फिर हम कुछ सॉलिड फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, बिल्कुल ऐसे करके हमें पूरा प्लांट्स को एकदम नहला देना है और दूर से स्प्रे करना है, तभी प्लांट्स को अच्छा लगता है। तो ऐसे करके आपके पास जो जितना भी रोज़ प्लांट है सारे में आप डाल सकते हैं, देसी विदेशी इंग्लिश जो भी जितना है सब में आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। और फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे रोजेस हैं, मैंने खुद से ब्रांचेस काट के ज़्यादा प्लांट्स बनाया है, और कुछ खरीदा भी है नया, वो तो अभी भी नीचे है। तो मैं एक मेरा रोज़ गार्डन का टूर कराऊंगी, लेकिन बहुत ही छोटा गार्डन है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही था मेरा देसी रोज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आप सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मतलब देसी रोज़ के ऊपर। तो मैं फिर इतने 9-10 दिन में जो भी इस प्लान में डाला था सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी हम 7 दिन के बाद ही फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र डालेंगे, तभी फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ में वीडियो कैसा लगा है वो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, देखिए मेरे फर्स्ट बैल्कोनी में कितने अच्छे से फ्रीसिया प्लांट में फ्लावरिंग हो रहा है, और मैंने अभी सारे प्लांट्स को मेरा फर्स्ट बैल्कोनी में शिफ्ट करा दिया है, और 2nd बैल्कोनी में अभी रोज़ का ही प्लांट रखे हैं हमने।
तो मैं इसका टूर कराऊंगी 1-2 दिन के अंदर ही, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिए, और हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।